4 जून को कौन खाएगा लड्डू और किसका बिगड़ेगा सियासी जायका, ये तो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार की एक ऐसी सीट भी है जहां मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि यहां साख की लड़ाई भी है, और ये है पाटलिपुत्र सीट। इस अहम सीट से आरजेडी की तरफ से लालू की बेटी मीसा भारती है, तो उनके मुकाबले फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं बीजेपी से रामकृपाल यादव। ये वही रामकृपाल हैं जो कभी लालू यादव के सबसे बड़े सिपा सालार थे, लेकिन सियासी कालचक्र ने ऐसी पलटी मारी कि वो लालू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक के सियासी घमासान में रामकृपाल ही मीसा भारती पर भारी पड़े हैं। अब एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती और रामकृपाल यादव आमने सामने हैं। अब सवाल ये कि पिछले दो चुनावों में थोड़े फर्क से चूक रही मीसा हार की हैट्रिक रोक पाएंगी या फिर रामकृपाल जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। इस बार मीसा को जिताने के लिए पूरी लालू फैमिली चुनाव प्रचार में जुटी नजर आई, तो रामकृपाल के हक में बीजेपी के बड़े खिलाड़ी भी मैदान में डटे रहे और आज तो खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला। पाटलिपुत्र में रैली से खिताब कर पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर लालू परिवार को निशाने पर लिया और कहा कि लालटेन एक ही घर में रोशनी करता है। ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए उनके घर की रोशनी जलती रहे। पीएम मोदी ने चुनावी माहौल फिर बीजेपी के हक में बनाने की कोशिश की और पार्टी को भरोसा है कि यहां से तीसरी बार कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। बात अगर पाटलिपुत्र के कास्ट फैक्टर की करें तो इस सीट पर करीब 16.5 लाख वोट है, इनमें सबसे ज्यादा यादव वोटर्स करीब 4 लाख हैं। यहाँ भूमिहार वोटर 3 लाख, 1 लाख ब्राह्मण, 1.7 लाख कुर्मी, 1.7 लाख कोयरी, 1.5 लाख मुस्लिम और बाकी दलित वोटर्स हैं। दोनों खेमों से यादव उम्मीदवार होने से मुकाबला दिलचस्प हो चला है। वही एनडीए को जेडीयू के साथ होने से कुर्मी कुशवाहा वोटर्स का साथ मिलने की भी उम्मीद है। पिछले दो चुनावों में यहां बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला था। 2014 में बीजेपी के रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिले थे, वहीं मीसा भारती को 3,82,940 वोट मिले थे। जीत का फर्क करीब 40,000 का था। वहीं 2019 में रामकृपाल यादव को 5,09,547 मत मिले थे, जबकि मीसा को 4,70,236 वोट मिले थे। इस बार जीत का फर्क करीब 39,000 था। आरजेडी को भरोसा है कि पिछले दो बार करीबी मुकाबले में उसे हार मिली थी, लेकिन इस बार आरजेडी को ही जीत नसीब होगी। हर एक जगह जहाँ भी संभव हो रहा है, बिहार की जनता, देश की जनता इस बार खुद से, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए खुद से लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने स्तर से जिनसे जो संभव हो रहा है वो काम कर रहे हैं। रामकृपाल यादव भी पूरी तरह मुतमईन नजर आ रहे हैं कि मोदी के चेहरे के दम पर पाटलिपुत्र में भगवा लहराएगा। साथ ही मीसा भारती पर वो कई इल्जाम के तीर भी छोड़ रहे हैं। पाटलिपुत्र की जंग इस बार कांटे की है। लालू की बड़ी बेटी के सामने चुनौती हार की हैट्रिक रोकने की है, वहीं रामकृपाल के सामने चुनौती सीट पर लगातार तीसरी बार कमल खिलाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।